हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेला सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, लो मैं आ गया। बाकेलाल सीरीज लो मैं आ गया, चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता। एक दिन जब विक्रम सिंह राजदरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे तो तेरी फूह पर गूंज उठी टंकार। ओह महारानी, जरा देखना किसकी फूह है, मैं जरा नाड़ा बांध रहा हूँ। सुबह सुबह किसकी फूह हो सकती है। तेरी फूह की फूह, मैं महारानी बोल रही हूँ, तुम कौन बोल रहे हो। मेरी फूह की फूह, मैं द्वारपाल दुर्भाग्य सिंह बोल रहा हूँ महारानी जी। तपोवन से आए बहुत से नामी गिरामी ऋषियों के शिष्य महाराज से मिलना चाहते हैं, वरना वो गांठ खोलने की धमकी दे रहे हैं। नोट, तेरी फूह का आविष्कार एमआई ने किया था। ये जानने के लिए पढ़ें बाकेलाल का पूर्व प्रकाशित कॉमिक मैं नहीं सुधरूंगा, और ये कॉमिक चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है, आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्या कहा, गांठ खोलने की धमकी दे रहे हैं। कहो महाराज, अभी आते हैं, मैंने कस के बांधी है, अब तो मैं खुद भी नहीं खोल सकता। महारानी, मेरी जूतियाँ और रुमाल कहाँ हैं, कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं मिलती। वाह क्या झाड़ लगाई है, शाबाश विक्रम सिंह। अजी ये क्या तुम्हारी खोपड़ी है, ये रही तुम्हारी जूतियाँ और रुमाल। ओह शुक्र है किसी ने देखा नहीं, रानी की ऐसी आदतों के कारण ही मैंने अपने निजी कार्यों के लिए अपने कक्ष में कोई दास नहीं रखा। उफ, इसमें जुराबे नहीं हैं, जुराबों की जगह तुम्हारा सिर पहनूँ क्या। ज़्यादा गर्जो मत, जुराबे धोने के लिए दिए हैं, और जो कर्मचारी उन्हें नाक पकड़कर चिमटी से उठाकर ले गया था वो अभी तक बेहोश पड़ा है, जूतियाँ ऐसे ही डाल लो। पर ऐसे तो ये तुम्हारी तुम्हारी तरह काटेंगी। उफ, कभी पजामे में टांगे नहीं होती, कभी कमीज में मैं नहीं होता, तुम्हारे सारे काम ढीले होते हैं। मैं आज ही एक पोशाक मंत्री की नियुक्ति करता हूँ, जिसका कार्य मेरे सभी वस्त्रों का निर्माण, उनकी व्यवस्था, उनकी देखरेख करना होगा। अब जल्दी चलो जी, राज दरबार का समय हो रहा है, आज मैं झूले पर बैठकर राज कार्रवाई देखूंगी, फिर राज दरबार में। और सुनाओ बाकेलाल, क्या हाल चाल है। बस महाराज, वही हड्डी वही खाल है। महाराज, बाकेलाल झूठ बोलता है, खाल तो है ही नहीं। खाल तो मैं तेरी उतरवा कर चढ़ाऊंगा सेनापति के बच्चे। बाकेलाल, मुझे पींग बढ़ानी है, जरा झूले झुलाना। महामंत्री, कोई ऐसा नाम सुझाओ जिसे हम पोशाक मंत्री बना सके। महाराज, अपना राग बाद में अलाप लेना, पहले हमारी सुन लो, वरना हम गांठ खोल देंगे। खोल के दिखाओ, मैंने कस के बांध दिया। महाराज, हम आपके नाड़े की गांठ की बात नहीं कर रहे, हमें ऋषि ने सांप गांठ में बांध कर दिया है, और ये रही गांठ। महाराज, कल सुबह शंकर भगवान के मंदिर का उद्घाटन है, आपका कल का नाश्ता, मेरा मतलब चरणामृत ऋषि मंदराचार्य के यहाँ है, मिठाई और नमक पारे घर से लेते आना। उन्होंने कहवाया कि अगर आपने आने से इनकार किया तो मैं सांप की गांठ खोलकर सांप आपको दे दूं। नहीं, हम अवश्य आएंगे। महाराज, कल प्रातः विष्णु भगवान के मंदिर का उद्घाटन है, उद्घाटन तो ऋषि क्रोधाचार कर लेंगे, आपको सिर्फ उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने आना है। हम आ जाएंगे, बारी बारी से कहते रहो। लक्कड़ बाबा भैरव मंदिर का श्री गणेश कर रहे हैं, लक्कड़ बाबा ने कहा है कि केवल एक बार अवश्य पधारे, एक बार थोबड़ा दिखाने जरूर आए। हनुमान जी के परम भक्त ऋषि उद्दंडनाथ हनुमान जी के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, आप अवश्य पधारे, नारियल आप ही के सर पर फोड़ा जाएगा। कल प्रातः शेषनाथ जी के मंदिर के पट खोले जाएंगे, उद्घाटन आप ही के ही हाथों होगा, क्योंकि उद्घाटन कर्ता को सांप से डसवाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आप जाओ। महाराज की जय हो, जयकारा शेरा वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। बाकेलाल, कल तुम्हें और सभी मंत्रियों को भी मेरे साथ चलना होगा, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला किसी मुसीबत में फंसूँ। मगर महाराज, ततैया के छत्ते में हाथ डालने की मुझे क्या पड़ी है, मेरा मतलब है महाराज कि जब आपका आदेश है तो चलना ही पड़ेगा। सभी शिष्यों के जाने के बाद, हाँ तो महामंत्री, बताओ वो नाम जिसे हम पोशाक मंत्री का दायित्व सौंप सकें। महाराज, बीच में बोलने के लिए माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, वैसे मैं ये कह रहा था कि मेरे घर का एक आदमी है, महाराज अगर आप उसे पोशाक मंत्री बना दें तो ये उसकी आप पर बड़ी कृपा होगी। और फिर घर का आदमी है, मुझे उम्मीद थी कि आप उसे ही पोशाक मंत्री बनाएंगे। मुबारक हो महाराज। ठीक है सेनापति, तुम उसे नमूनों के साथ मुझसे मिलने को कहो। बाकेलाल, जोर से मत झुलाओ। बाकेलाल चाचा, आप थक गए होंगे, माताजी को मैं झुला देता हूँ। किंतु इससे पहले कि मोहक सिंह बाकेलाल को हटा पाता, जोरदार आवाज के साथ झूला नीचे आगे बढ़ा। महारानी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हाय मेरी टांग टूट गई है। दासी की चीख सुनते ही राजवैद्य आगे आ गया। तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ महाराज, टांग तो मैं एक झटके में तोड़, मेरा मतलब जोड़ दूंगा, मगर महाराज मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि झूला टूटा कैसे, रस्सी तो मैंने सस्ती, मेरा मतलब महंगी वाली ही बनवाई थी। शुक्र है महाराज कि झूले पर आप नहीं बैठे थे, वरना दो तीन दासियां तो जरूर आपके नीचे दबकर मारी जाती। बाकेलाल, सुंदर दासियों के मरने की बात अच्छी नहीं होती। हाँ नहीं तो। और महारानी जी, आप ठीक क्यों हैं, मेरा मतलब आपको चोट क्यों नहीं लगी, मेरा मतलब कुछ तो लगती, मेरा मतलब कहीं तो लगी होगी। देखा महाराज, रस्सी नहीं टूटी बल्कि कांटा टूटा है। बाकेलाल, मुझे सहारा दो,
और आप जरा मुझसे दूर ही रहो जी, वरना झूले से गिरकर तो मैं बच गई, मगर यदि आप मेरे ऊपर गिर पड़े तो बचने का सवाल ही नहीं उठता। हाय राम, मैं मरी, झूला तो महारानी जी झूल रही थी, मेरी टांग क्यों टूट गई रे? मेरी टांग क्या फालतू थी? हड्डी टूट गई है, पर चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो घोड़े की टांग की हड्डी लगा दूंगा, फिर तुम भी घोड़ी की तरह भागोगी। तिकड़ 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 तिकड़। दासी, चलो मैं तुम्हें उपचार कक्ष तक उठाकर ले चलता हूँ, कितना अच्छा लगेगा। सुंदर दासी है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। महाराज, अब शकुन टल गया, अब आप ये 5 हरी मिर्च खा लें। महाराज के लिए जल्दी से हल्दी वाला गर्म दूध पिलाओ, ताकि महाराज का मुंह जल जाए, मेरा मतलब महारानी का दर्द ठीक हो जाए। और फिर अगले दिन तपोबल में। ये क्या बाकेलाल, लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं। ये तो तपोवनी है महाराज, जहां अब ऋषियों ने बिना इजाजत के मंदिर बनवा लिए हैं। बाप का राज, मेरा मतलब आपका राज जो ठहरा, मंदिरों की धरती पर आपका स्वागत है महाराज। पगड़ी उतारिए, मैं नारियल सिर पर फोड़कर आपका विधिवत स्वागत करूंगा। और मैं सांप को आपसे ढसवा कर, मेरा मतलब आपको सांप से ढसवा कर आपका स्वागत करूंगा। घबराइए नहीं महाराज, ये बिना दांतों वाला सांप है। तो फिर ये बोल कि मैं इसके गाल पर पप्पी करूंगा। जहरीली पप्पी, जिससे आज तक मेरी एक भी पत्नी जीवित नहीं बची। बाकेलाल बताओ, नारियल फूटेगा या सिर? नारियल ही फूटेगा महारानी जी, क्योंकि मेरी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ जो महाराज का सिर फूटे। महाराज, हमने यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनवाने की योजना बनाई है, कोई भी देवी देवता छूटने ना पाए। अगर आपकी निगाह में भी कोई देवी देवता हो तो हमें बता दीजिएगा, हम उनके नाम का मंदिर बनवा देंगे। हाँ महाराज, हम चाहते हैं कि यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र संपन्न हो जाए। लाइए चंदा दीजिए, कितने की रसीद काटूँ? महाराज, एक आने की कटवा लीजिए। नहीं बाकेलाल, मंदिरों, अनाथालयों, गौशाला, वृद्धाश्रम, बेसहारा आश्रम वालों को तो दिल खोल कर दान देना चाहिए। 21 स्वर्ण मुद्राओं की कटवा लें, ये बांके पंगा कर देगा, इसे भगाओ। और फिर महाराज, हमें मंदिर के उद्घाटन के लिए सूखे कुएं के जल की आवश्यकता है, अगर आपने नहीं मंगवाया तो अनर्थ होगा। सूखे कुएं का जल वही ला सकता है जिसकी चोटी हो। बाकेलाल, ये लो 4 लड्डू, इन्हें खाने के बाद ही सूखे कुएं से जल निकालना। जाओ बाकेलाल, पर जल्दी लौटना। महाराज, आप रसीद कटवाने पर ध्यान दीजिए, 21 की काट दो। महाराज, सोच समझ कर कम से कम की कटवाइए। ठीक है, तुम कहते हो तो 11 की काट दो। महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। ठीक है, 5 से कम की क्या कटवाऊंगा, वरना राजा की तो नाक कट जाएगी। ठीक है महाराज, 33 करोड़ देवी देवताओं के 5 5 स्वर्ण मुद्राओं की 33 करोड़ रसीदें बैलगाड़ियों में भरकर आपके महल में पहुंचा दी जाएंगी। ये लीजिए महाराज, सॉरी, मगर पैसा समय पर पहुंच जाना चाहिए, वरना अनर्थ होगा, शाप मिलेगा सो अलग। हाँ, अरे महाराज के लिए हलवा पूरी तो लाओ। ये लीजिए महाराज हलवा, आप भी खाइए और अपने साथियों को भी बांट दीजिए, और दूध अपने घर जाकर पी लीजिएगा, क्योंकि सुबह दूध में मक्खी गिर गई थी, पर सुबह तो आपने मुझे उसी दूध की मलाई खिलाई थी ऋषिवर। हाँ, दरअसल मक्खी मलाई की परत पर ही गिरी थी, मैंने वो मलाई में लपेट कर आपको दे दी थी, मुझे क्या पता था कि आप खा जाएंगे। उधर बाकेलाल चला जा रहा था, वन में आगे और आगे एक कुआं देखा, उसमें पानी था, दूसरे में भी पानी था, तीसरे में कम पानी था, चौथे में कीचड़ थी, पांचवें में दलदल, छठे में पेड़ों का था, सातवां बंद कुआं था, आठवां सूखा था। बाकेलाल वहीं रुक गया। सूखा कुआं तो आ गया, मगर अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि सूखे कुएं से पानी कैसे निकलेगा, मगर इस समय तो मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, पहले मैं लड्डू तो खा लूँ, स्वादिष्ट लग रहे हैं। खाऊं खाऊं किसे पहले खाऊं, छोटी को खाऊं, बड़े को खाऊं, टेढ़े को खाऊं या फूटे को खाऊं? उस सूखे कुएं में रहते थे 4 भूत, जिनके नाम थे छोटा, बड़ा, टेढ़ा और फूटा। बाप रे, ना जाने कौन है जो हमें खाने की बात कर रहा है, उसे तो हमारे नाम भी पता है और पता भी पता है, यह भी पता है कि मेरी आँख फूटी हुई है। पलक झपकते ही 4 भूत बाहर निकल आए और भैया हमें मत खाओ, हम तो बहुत ही शरीफ भूत हैं, बदले में हम तुम्हें एक एक पाए देंगे, और प्रत्येक पाए की कोई ना कोई विशेषता है, जैसे छोटे से शुरू हो जा भूत, भागने के लिए टांगे भी जवाब दे गई हैं। छोटे भूत का पाया सीधा मस्तिष्क पर असर करता है, अगर इसे किसी की चारपाई में जोड़ दो तो उस पर निंद्रा करने वाला जो सोचता है वो सोच नहीं पाता। मैं भी नहीं सोच पाया, मैं जल्लाद था, कैदी की जगह अपनी गर्दन फंदे में डाल दी। ठहर ठहर बाके, मैं तो इनसे भयभीत हो रहा था, पर लगता है ये तो खुद मुझसे भयभीत है, मगर क्यों अभी पता चल जाएगा। बड़े भूत का पाया जुबान पर कब्जा करता है, यानी जो बोलना चाहता है वह बोल नहीं पाता। बीवी को मायके भेजना था, मना कर दिया, उसने बेलन मारा, मैं शहीद होकर कुएं में आ लटका, यानी भूत बन बैठा। छोटा बड़ा टेढ़े भूत का पाया आंखों पर कब्जा करता है, जो देखना चाहो वो नहीं दिखता, मैं भी नहीं देख पाया था, बिल्ली के धोखे में शेर पकड़ लिया था, और बेमौसम मेरा मतलब असमय मारे जाने के कारण भूत बन गया। छोटा बड़ा टेढ़ा और अब शायद फूटा। फूटे का पाया असर करता है सीधा हृदय पर, यानी दिल पर काबू नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहा था,
एक लड़की छेड़ दी थी, लड़की ने ऊंची एड़ी वाली चप्पल फेंक कर मारी तो मैं फूट गया। आप समझा, मैंने तो लड्डू को खाने की बात की थी, पर इन चारों के नाम संयोग से मिल गए और ये समझ बैठे कि मैं इन्हें खाने वाला हूं। मगर एक बात ध्यान रहे, जब तक तुम खुद इन्हें नष्ट नहीं करोगे, ये नष्ट नहीं होंगे। अच्छा तो भैया जी, हम जाएं? अब तो आप हमें नहीं खाएंगे ना? ये भी शरीफ आदमी लगता है, ये अब हमें नहीं खाएगा। चलो कुएं में। चारों भूतों के कुएं में जाती बाकेलाल मनी मच को सोचता हुआ उछल पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को! अगर मैं ये चार पाए ले जाकर महाराज के पलंग में जोड़ दूं तो मुच्छड़ बावला हो जाएगा और फिर आएगा मजा। चल बेटा बाकेलाल, दिखा दे अपना कमाल। सूखे कुएं में एक भूत और बढ़ने वाला है, यानी विक्रम सिंह का। बाकेलाल भूल गया था सूखे कुएं से पानी लाने की बात। महारानी जी, ये देखिए मैं क्या लाया। बाकेलाल, ये चार पाए तुम्हें कहाँ से मिल गए? महारानी जी, ये चमत्कारी पाए हैं, जो किसी के पलंग में जोड़ दिए जाएं तो वो चक्रवर्ती हो जाता है, यानी अगर इन्हें महाराज के पलंग में जोड़ दिया जाए तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे, पूरे संसार में उनका नाम होगा कि विशालगढ़ का मुच्छड़ राजा बावला हो गया। क्या सच बाकेलाल? जी हाँ महारानी जी, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि महाराज लौट आए हमें इनको महाराज के पलंग में जोड़ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक लो मैं आ गया के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।